हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित, इंडिया बायनोकुलर शॉप से। आइए आज बायनोकुलर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट साइजेस के बायनोकुलर्स हैं। इसमें बड़े भी हैं, मिडिल साइज के भी हैं और छोटे भी हैं। सबसे छोटे जो बायनोकुलर्स हैं ये चाइनीज बायनोकुलर है, काफी सस्ता है, 500-600 बाजार में आपको मिल जाएगा। जो बहुत ही टाइट है बजट पे और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते और सफारी या हाइकिंग के लिए जाना चाहते हैं, वो छोटे साइज के बायनोकुलर्स वो चाहेंगे कि वो लेके जाएं, तो इजी ऑन पॉकेट हो और कहीं कभी भी पॉकेट में, जैकेट की पॉकेट में या पीछे बैक साइड पॉकेट में आ जाएंगे। इसमें आपको ब्रांड्स भी मिल जाएंगे हमारे पास, पुशनल वगैरह के, सेलेस्टॉन के, हॉक के और कुछ और भी ब्रांड्स है जो हम चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। इसी में थोड़े से मिड साइज में आए तो ये थोड़े बड़े साइज के हैं, 10-13x25 इस पे लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि 10x इसकी 10 से लेके 30x वेरिएबल पावर है इसके अंदर और 25mm लेंस का साइज है। ये जो आप देख रहे हैं ये डायमीटर जो है ये 25mm का है और ये इसके आईपीसीज है जहां से हम देखते हैं और इसमें ये जूम का बटन होता है। हम पावर जब भी हमने फोकस किया ऑब्जेक्ट पे, जूम हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहां से ये लीवर ऐसे घुमाएंगे तो ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। इस टाइप के बायनोकुलर्स कौन ज्यादा यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया वाइल्ड लाइफ सफारी में, मैच देखने थिएटर में अगर आपने जाना है और आप एक छोटा बायनोकुलर चाहते हैं। आइए इससे ऊपर अब थोड़े बड़े साइज में जाएं। ये थोड़े बड़े साइज के बायनोकुलर्स हैं, 8x25। ये वाटरप्रूफ में है, सेलेस्टॉन कंपनी का है, आउटलैंड। इसमें हम देखेंगे कि इसके ये आई कप्स ऐसे बाहर आ जाते हैं। बेसिकली ये आई रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पेक्स यूज करते हैं, क्योंकि स्पेक्स में और आईज में डिफरेंस होता है, तो वो लोग जब यूज करेंगे तो ये आई कप्स आप नीचे रोल आउट कर देंगे तो एक आई रिलीफ उनको मिलता है। और जो लोग स्पेक्स नहीं यूज करते जैसे कि मैं, तो मैं इसको निकाल के फोकस करूंगा बायनोकुलर से। ये बायनोकुलर्स का डायोप्टर एडजस्टमेंट है, जब आपने शार्प फोकस करना हो तो इससे हम यूज करते हैं। कुछ बायनोकुलर्स में राइट साइड का एक अलग से फोकसर होता है, आप राइट आई के लिए अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं ताकि इमेज शार्प हो जाए। लेफ्ट आई के लिए ये कर सकते हैं और राइट आई के लिए ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला बायनोकुलर सेलेस्टॉन का आउटलेट 8x25 मॉडल है और ये वाटर प्रूफ में है। वाटर प्रूफ में बेसिकली क्या है कि लेंसेज के अंदर बायनोकुलर्स बनाते वक्त नाइट्रोजन फिल की जाती है, ड्राई नाइट्रोजन। उसका फायदा ये रहता है कि कोई भी मॉइस्चर, फंगस वगैरह बायनोकुलर्स के अंदर नहीं आता। तो बहुत से बायनोकुलर्स, अच्छी क्वालिटी के बायनोकुलर्स के अंदर नाइट्रोजन फिल्ड होती है, तो अगर आप बहुत ही ग्रेव वेदर में, बहुत ही विंटर में या फॉगी वेदर में या रेनी वेदर में आप ले जाना चाहते हैं सफारी में या वैसे ही घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए, तो आपके लिए वाटर प्रूफ बायनोकुलर प्रेफरेबल है। आइए इससे थोड़े बड़े साइज में चले। ये बायनोकुलर 8x30 है। बेसिकली 8x30 का मतलब ये हुआ, जो इनिशियल नंबर 8 है वो डिनोट करता है पावर को। 8 का मतलब है कि 8x जो हमारी नॉर्मल आई जो देख रही है, 8 टाइम्स वो ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर 100 मीटर्स पे हम किसी को देख रहे हैं तो 100 / 8 तो उतने डिस्टेंस पे हमें लगेगा वो ऑब्जेक्ट है। 30mm इसका, जैसे मैंने बताया, ये लेंस का डायमीटर है और 8x30x ये रफली आपको बाजार में 3,000-3,500 का मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का। ये एक पुराना रशियन डिजाइन है बागीश करके, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बायनोकुलर है। आप एक चीज और गौर कीजिए, ये दो बायनोकुलर्स 8x25 और 8x30, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। ये रूफ डिजाइन में है, रूफ बायनोकुलर्स थोड़े ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। और ये पोरोप्रिज्म डिजाइन में है, पोरोप्रिज्म बायनोकुलर्स थोड़े से फैले होते हैं, बल्की होते हैं। और इसके अंदर ये है कि जो व्यू है पोरोप्रिज्म के अंदर थोड़ा सा बड़ा आएगा कंपेयर टू रूफ प्रिज्म है जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं। आइए अब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बायनोकुलर में चले। ये सेलेस्टॉन का मेरे हाथ में 10x50 अप क्लोज है, ये करीब 3,500 के आसपास आपको मिल जाएगा हमारे पास। और 10x50 बायनोकुलर जो है जिसमें 10x पावर हो गई और 50mm लेंस का डायमीटर हो गया, ये आपको बेसिकली एक ऑलराउंडर बायनोकुलर आप कह सकते हैं। थोड़ा सा हैवी है, इसमें एक ये सॉकेट दिया हुआ है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये इस कैप को रिमूव करके
अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, चाहे वाइल्ड लाइफ हो या एस्ट्रोनॉमी करनी हो, तो आप इसको रिमूव करके एक एल शेप का अडेप्टर यहां लगा के ट्राईपॉड पर माउंट करके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दीज बाइनोकुलर्स आर वेरी हैंडी, ये बाइनोकुलर्स बहुत हैंडी है एस्ट्रोनॉमी के लिए, साइट सीइंग के लिए, एक ऑलराउंडर बाइनोकुलर्स और बर्ड वॉचिंग के लिए। फ्रेंड्स फिर ये हमारे पास हॉक का बाइनोकुलर है, ये वाटरप्रूफ और फॉग प्रूफ डिजाइन में है, 10x42 है। बेसिकली जितने भी बर्ड वॉचिंग वाले बाइनोकुलर्स होते हैं नॉर्मली 42mm, 40mm और 8x40, 8x42 या 8x30 या 10x42, ये बहुत ही चोजन डिजाइन है बाइनोकुलर्स के स्पेसिफिकेशंस हैं बर्डिंग कम्युनिटी के लिए। थोड़े से बड़े बाइनोकुलर्स में आए, जो लोग प्योर एस्ट्रोनॉमी का आनंद लेना चाहते हैं वो थोड़े बड़े डिजाइन प्रेफर करते हैं, बड़े बाइनोकुलर्स। ये मेरे हाथ में 15x60 बाइनोकुलर है, इसमें 60mm लेंस का डायमीटर है और 15x इसकी पावर है। जब आप मून के क्रेटर्स अगर देखना चाहें, कुछ नेब्यूलर्स या स्टार क्लस्टर्स देखना चाहें या कुछ गैलेक्सीज देखना चाहें, तो ये बाइनोकुलर्स बेटर रहेंगे, क्योंकि बड़े अपर्चर है तो लाइट ज्यादा गैदर करेंगे, ज्यादा ब्राइटर इमेज आपको दिखाएंगे स्काई में। स्पेशली जो लो लाइट्स होती हैं नाइट में, उसमें बड़े अपर्चर वाले बाइनोकुलर्स ब्राइटर इमेज देते हैं, छोटे अपर्चर वाले बाइनोकुलर्स उसमें ज्यादा आपको ब्राइटर इमेज नहीं दे पाएंगे, उनसे आपको दिक्कत भी आएगी ढूंढने में स्काईज में। तो ये बड़े वाले बाइनोकुलर्स एस्ट्रोनॉमी के लिए रिकमेंडेड है। मेरे हाथ में ये 20x80 एक सेलेस्ट्रॉन का बाइनोकुलर है, काफी बड़ा, जायंट कह सकते हैं आप। अब ये हैंड होल्डेबल नहीं रहता क्योंकि काफी बड़ा इसका अपर्चर है, आप देख रहे हैं। ये इसका ट्राइपॉड अडेप्टर बीच में ही दिया हुआ है, आप किसी भी फोटो ट्राइपॉड पे आराम से इसको डाल के आराम से आप यूज कर सकते हैं, ये प्योरली एस्ट्रोनॉमी पर्पस के लिए है। तो ये इसका अपर्चर है 80mm अपर्चर है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास दो लेंस बेस्ड 80mm के टेलीस्कोप हो, तो जो एरिया ये स्काई में कवर करेंगे वो ह्यूज है। तो एस्ट्रोनॉमी अगर आपने करनी हो तो ये बहुत ही बढ़िया है। बर्ड वॉचिंग के लिए ये इतने बढ़िया नहीं है क्योंकि इनका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस कम से कम 25 मीटर होता है, तो अगर आप कोई बर्ड 10 मीटर या 12 मीटर पे आप देखना चाहें तो आपको एवरेज साइज का या छोटे लेवल का बाइनोकुलर यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारे पास आपको टेलीस्कोप्स, बाइनोकुलर्स और स्पॉटिंग स्कोप हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, पर्सनल लेवल पे एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिल जाएगी, सर्विसेज मिल जाएंगी, आफ्टर सेल सर्विस, इनकी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। और हमारी वेबसाइट इंडिया बाइनोकुलर शॉप आप जरूर विजिट कीजिए, उसमें कुछ वीडियोस भी हैं आपके लिए। कुछ डाउट्स हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स एक फाइनल लास्ट टिप्स, ये बाइनोकुलर्स है, ये 10x50 जैसे है, ये बहुत ही एवरेज और काफी यूज होने वाला बाइनोकुलर है। ये वाला अपर्चर हो गया 50mm, इसमें आपको 21mm, 20mm, 30mm, 32mm, 42mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm तक अपर्चर्स मिलेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसे हम देखते हैं बेसिकली, और ये डायप्टर है। तो बाइनोकुलर्स के अंदर कोटिंग्स बहुत मैटर करती हैं, कोटिंग्स एक सिर्फ कोटिंग होती हैं जो सिंगल लेयर ऑफ लेंसेज पे कोटिंग होती हैं, फिर एक फुली कोटेड होते हैं जो दोनों तरफ कोटिंग होती हैं, फिर एक मल्टी कोटेड होती हैं जो एक केमिकल कोटिंग है उसके ऊपर एक और लेयर होती है कोटिंग की, और फुली मल्टी कोटेड प्रेफरेबल है, फुली मल्टी कोटेड, क्योंकि वो लाइट ज्यादा ट्रांसमिट करती है, क्योंकि जब लाइट अंदर आती है तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए ज्यादा ट्रांसमिट हो, ज्यादा ब्राइटर इमेज हो, फुली मल्टी कोटेड बाइनोकुलर सबसे बढ़िया रहेंगे। कईयों की फॉग प्रूफ, वाटर प्रूफ वाली रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको ये चेक करना है कि जो वो बाइनोकुलर ले रहे हैं वो नाइट्रोजन फिल्ड हो। बाकी आपका बजट मैटर करेगा, अगर मेरा 1000 से 2000 का बजट है तो उसमें एक 8x25 या 10x25 या 8x21 का एक बाइनोकुलर आ जाएगा। अगर आप उसी में ब्रांड में जाना चाहेंगे तो थोड़ा महंगा आएगा, 2500-3000 के आसपास। इसके बाद एक एवरेज बाइनोकुलर 10x50 या 10x42 जो बर्ड वॉचिंग का होता है, वो लेसर नोन ब्रांड का करीब आएगा, 4000 से 3500 से 4500 की रेंज में। निकॉन का अगर आप चाहेंगे तो निकॉन के बाइनोकुलर्स करीब 5500-6000 से शुरू होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बाइनोकुलर्स हैं। और इसी में आप वाटर प्रूफ में जाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगी। और जो बड़े बाइनोकुलर्स हैं 20x80, 15x70, वो हैंड होल्डेबल नहीं रहते हैं, उनके लिए हमें ट्राइपॉड यूज करना पड़ता है क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाथ थक जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं चाह रहा था आपको बता दूं। इंडिया बाइनोकुलर शॉप
में आपका स्वागत है और बहुत सारे आपको वैरायटी के बायनोकुलर्स मिलते हैं, हर एक ब्रांड के बायनोकुलर मिलेंगे। कैसे बायनोकुलर यूज करने हैं, क्या वैरायटी है, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको यहाँ बताया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप आके टेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com और हमारा नंबर 9899212222। कोई व्हाट्सएप पे क्वेरी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटा वीडियो आपको एक अच्छा बायनोकुलर चुनने में आपके पर्पस के हिसाब से हेल्प करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।